एटा में तेज रफ्तार का कहर दिखा है, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर खड़े ट्रक में जा घुसा। हादसे में 2 की मौत, 35 घायल, 20 लोग गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिए गए हैं। कैंटर से राजस्थान जा रहे थे मजदूर, कोतवाली देहात क्षेत्र के पास मौत हो गई है। 35 लोग घायल है, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल है और उन्हें बरेली इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। कैंटर से राजस्थान जा रहे थे सभी मजदूर और ओवर स्पीड का ये नतीजा है, जहाँ पर कोतवाली देहात क्षेत्र के पास ये घटना और तेज रफ्तार कैंटर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत और हादसे में करीब 35 लोग घायल, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल है और सभी को बरेली रेफर कर दिया गया है। कैंटर से राजस्थान जा रहे थे मजदूर, कोतवाली देहात क्षेत्र के पास की घटना। तेज रफ्तार कैंटर खड़े ट्रक में जा घुसा, हादसे में 2 की मौत, 35 लोग घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या कुछ पूरी जानकारी हादसे को लेकर, कब की घटना? जी आपको बता दें, ये कोतवाली देहात क्षेत्र में बरेली जनपद के मजदूरों को कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक में से टकरा गया। कैंटर चालक और मजदूरों की मासूम बेटी की भी मौत हो गई, घायल 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 11 की हालत गंभीर है, दिखते हुए उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। सभी मजदूर राजस्थान साफे ईट भट्टा के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, ये कासगंज रोड स्थित ग्राम अल्लेपुर के निकट सड़क किनारे पंचर खड़े ट्रक से पीछे से मजदूरों की बरस तक कैंटर टकरा गया। जी हादसे ही होते ही समीप प्रवृत्त ग्रामीण पहुंच गया, पुलिस भी पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से हादसे में घायल मजदूरों को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। कैंटर के चालक पीलीभीती जनपद का रहने वाला था, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची की मौत हो गई। जी बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।